जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, ये देखो बगीरा। नारियल को लगा। हाँ, लेकिन तुमने उसके लिए चार बार निशाना लगाया मोगली। हाँ, लेकिन ये तो शुरुआत है। तुम्हारे सब निशाने ठीक लगने चाहिए मोगली, फिर से कोशिश करो। ठीक है। इस बार तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, इसलिए पानी में जा गिरा मोगली। और ये पत्थर अपने हाथ में पकड़ के मत रखो, इन्हें अपने कमर में फंसा के रखो जैसे अपना पंजा फंसाते हो। अच्छा विचार है। नहीं मोगली, वो लंबे पत्थर उठाओ। गोल पत्थरों के बजाय ये लंबे पत्थर ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। ये निशाना पहले वाले से ज्यादा अच्छा था बगीरा। नहीं नहीं नहीं, कुछ खास अच्छा नहीं था मोगली। इतनी देर से तुम एक नारियल नहीं तोड़ पाए, शिकार क्या करोगे तुम? फिर कोशिश करता हूँ। अब ये देखो, कैसा रहा? कुछ मजा नहीं आया मोगली। हाँ, मैं जिस मनुष्य के पास रहता था उसे मैंने पत्थर फेंकते हुए देखा था। वो कुछ इस तरह से पत्थर फेंकता था, देखो। लेकिन बगीरा, तुम तो मुझे सुबह से सिखा रहे हो ऐसे फेंको ऐसे फेंको। हाँ, अब उसे भूल जाओ, ऐसे फेंको। हाँ, देखा तुमने? सबसे पहले अपने हाथ को पूरी तरह घुमाओ और फिर आगे बढ़ो, समझ रहे हो ना मोगली? दाएं हाथ में पत्थर पकड़कर उसके वजन का अनुमान लगाओ और फिर सारा जोर अपने कंधे पर डालो और पूरी ताकत लगाकर पत्थर फेंको, समझे? एक बात हमेशा याद रखना मोगली, शक्ति के साथ साथ युक्ति का होना बहुत जरूरी है। कुछ मनुष्य आसमान में उड़ते पंछी को पत्थर मारकर गिरा देते हैं मोगली। लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैं भी उड़ते हुए पंछी को मारना सीखूंगा, तभी मैं मोती का असली बेटा कहलाऊंगा बगीरा। मैं अच्छा शिकारी बनूंगा बगीरा, खूब शिकार पकड़ूंगा और जो लाचार भेड़िए हैं उनकी सहायता करूंगा। अच्छे जा रहे हो मोगली, काश इस वक्त दूसरे भेड़िए भी यहाँ होते, तुम्हारी कला देखते, तुम्हारा हौसला बढ़ाते। समझ में नहीं आता आजकल तुम्हारे झुंड में इतने मायूस क्यों रहते हैं सब। सरपंच की तबीयत खराब रहती है और झुंड के पास कोई नेता नहीं। हाँ, सरपंच की बीमारी के बारे में मैंने भी सुना था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सब अपनी मनमानी करने लगे। लीला पकड़ू। लीला, अब सरपंच की तबीयत कैसी है? अभी तक बहुत कमजोर है, न कुछ खाते हैं न पीते हैं, सारा दिन सर पे हाथ रखकर गुफा के कोने में पड़े रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं। यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा तो ठीक कैसे होगा बगीरा? मेरा मतलब है थोड़ा चले फिरेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्हें अभी ठीक होने में बहुत समय लगेगा, अब वो पहले जैसे जवान तो रहे नहीं। जानती हूँ उसकी तबीयत कितनी खराब है लीला, उसे तुम्हारी जरूरत है। ठीक कहते हो पकड़ू। चिंता मत करो लीला, मैं तुम्हारे लिए बहुत खाना ले आऊंगा,
बस तुम दिन भर सरपंच के पास बैठ के उनकी सेवा करो। शुक्रिया मुगली। लीला आजकल चुप चुप सी रहने लगी है, लगता है उसे सरपंच की बीमारी की चिंता खाए जा रही है। तुम क्या देख रहे हो, जाओ लीला के लिए खाने का बंदोबस्त करो, वादा किया है तुमने उसे। आज का दिन बड़ा मनुष्य है बगीरा, सुबह से खरगोश तक दिखाई नहीं दिया। लीला सोच रही होगी कि मैंने उसे झूठा वादा किया है। थोड़ा धीरज रखो मुगली। हाँ, सरपंच को भूख लगी होगी बगीरा, और अब तक हम दोनों ने एक भी शिकार नहीं पकड़ा है। वो क्या है? हिरन लगते हैं। वो तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। पहले उन्हें और नजदीक आ जाने दो, फिर उन पर हमला करना। मैं उस तरफ जाता हूं। तुमने तीन हिरण पकड़े हैं? नहीं, हम दोनों ने पकड़े हैं। कोई है? ये तो शेर खान है। अच्छा अच्छा, जरा इन्हें देखो तबाकी। बगीरा और मोगली मेरे इलाके में हिरण पकड़ रहे हैं। ये तो सरासर कानून के खिलाफ है हुजूर, इन्हें जरूरी इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। आखिरकार मोगली, मैंने जहाँ चाहा तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया, भेड़ियों से बहुत दूर। तुम्हें यहाँ कोई बचा नहीं सकता, न तुम्हारा कोई दोस्त, ना ही तुम्हारा रखवाला बगीरा। तुम्हारे लिए यही अच्छा है बगीरा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब सोच क्या रहे हो बगीरा, सुना नहीं, जान प्यारी है तो चले जाओ। सुनो शेर खान, तुम और तुम्हारे चमचे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ तक कानून तोड़ने की बात है, तुम इस वक्त हमारे इलाके में खड़े हो, हम तुम्हारे इलाके में नहीं। बहुत बोल चुके बगीरा, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए चले जाओ। हाथी ठीक कहता था शेर खान, तुम कानून के दुश्मन हो। तुम दूसरे जानवरों के इलाके में घुस के उनका खाना चुराते हो शेर खान, तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा बुजदिल कभी नहीं देखा। हाथी कहता है इसीलिए तुम्हारे जिस्म पे लकीरें पड़ी हैं। हाँ मोगली, इसे कहते हैं शैतान की लकीरें। अच्छी है ना? खामोश, बहुत हो गया। मोगली, मुझे लगता है जिस तरह से मैं इसे समझा रहा हूँ, इसकी समझ में नहीं आ रहा। जरा तुम इसे समझाओ, दूसरे के इलाके में शिकार करने की इजाजत कैसे ली जाती है। ठीक है, तुम कहते हो तो देखो, शिकार की आज्ञा ऐसे लेते हैं शेर खान। हुजूर, मुझे आपके इलाके में शिकार करने की आज्ञा दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, समझे? हाँ हाँ, समझ गया होगा। अभी से ये बताओ कि हम क्या जवाब देंगे। जितना चाहिए उतना ही लेना शिकारी, लेकिन हम किसी कानून के दुश्मन को हमारे इलाके में शिकार करने की आज्ञा नहीं देंगे। हाँ, ये भी तो पक्का शैतान है। तुम अपने चमचों को लेकर यहाँ से चले जाओ शेर खान। अब तुम मुझे पकड़ने का इरादा छोड़ दो शेर खान, पकड़ोगे तो मारे जाओगे। शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, अब मैं उतना कमजोर नहीं जितना तुम सोचते हो। क्या इतना जोश क्यों दिखा रहे हो बच्चे? अरे कहाँ गया वो? भागो यहाँ से। जी बोलिए, क्या हुक्म है हुजूर? ध्यान से सुनो, तुम अपने साथियों को लेकर उन हिरनों के पास जाओ,
जब बगीरा तुम्हें देखेगा तो जाहिर है कि वो तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारी तरफ दौड़ेगा। उसी वक्त मैं उस खमंडी बच्चे का काम तमाम कर दूंगा। ठीक है हुजूर, समझो काम हो गया। दोस्तों मेरे पीछे आओ। वो हमारा शिकार है मुगली, तुम संभाल लोगे इसे? तुम्हारी ये हिम्मत? ये है शतरंज की चाल। अब बताओ बच्चे, घबराहट हो रही है? बगीरा नहीं इसलिए? मैं तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करता शेर खान। चोर बदमाश। क्या बात है मोगली, डर के मारे धरती को चिपक गए या घुटनों के बल पड़े जिंदगी की भीख मांग रहे हो हमसे? अब नहीं बचोगे। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बच्चे। तुम्हारी ये हिम्मत, ये सब कहां सीखा तुमने? बहुत अच्छे मोगली, चलो। डरना मत मोगली। सब भाग गए। शेर खान कभी हारता नहीं बच्चे। मजा आ गया मोगली। वाह मोगली, तुमने बड़ी बहादुरी से शेर खान का सामना किया। ये अच्छा था कि वो हमारे इलाके में था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि बाकी भेड़िया क्या कर रहे थे। शेर खान हमारे इलाके में घुस आया और किसी को पता तक नहीं चला। क्या सभी भेड़िये सरपंच की बीमारी को लेकर इतने दुखी हैं? क्या वो अपने इलाके की निगरानी तक नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बगीरा। भेड़ियों का दिल बहुत बड़ा है। वो सिर्फ इसीलिए दुखी है क्योंकि उनका झुंड टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, तुम यहाँ नहीं थे। एक अच्छी खबर है, बहुत बड़ा शिकार आ रहा है इस तरफ, बहुत बड़ा। क्या अच्छी खबर है? वाकई बहुत अच्छी खबर है। हमें ये खबर सरपंच को सुनानी चाहिए, क्यों लीला? लेकिन दादाजी तो अभी तक बहुत बीमार है पकड़ू, हमें उनके बिना ही शिकार करना होगा। कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। कौन सा शिकार आ रहा है? कितनी दूर है वो यहाँ से? बस दूसरी घाटी के करीब होगा। यहाँ तक पहुँचने में एक दिन लग जाएगा। मतलब ये कि कल लगभग इसी समय वो यहाँ से गुजरेंगे। मेरी मानो ये बहुत अच्छा मौका है शिकार करने का। लेकिन चील, आखिर शिकार क्या है? हाँ ये तो बताओ। भैंसों का झुंड है, और इतना बड़ा झुंड है कि मैं उनकी गिनती तक नहीं कर सका। दोस्तों सुनो, चील ठीक कह रहा है। ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है शिकार करने का। लेकिन पहले ये फैसला कर लो, शिकार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? हाँ हाँ, मुगली बिल्कुल ठीक कहता है। लेकिन झुंड को संभालेगा कौन? वही जो सबसे ताकतवर होगा। लेकिन ऐसा है कौन? मेरी मानो तो मुगली को चुन लो। पेटू को चुन लेते हैं। नहीं पेटू नहीं, वो तो बहुत ही सुस्त और आलसी है। इतने बड़े शिकार की जिम्मेदारी उसे नहीं दे सकते। मेरे पिताजी को चुन लो। पागल मत बनो, वो तो सबसे बुजदिल है। तुम्हारी ये मजाल, मेरे पिताजी को बुजदिल कहा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम कोई शिकार की तैयारी करोगे या बच्चों की तरह आपस में लड़ते रहोगे? बड़े शर्म की बात है।
मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा। इस तरह बात काफी बिगड़ गई। सब एक दूसरे से बहस करने लगे और कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला नहीं हुआ था तो शिकार तो हुआ नहीं होगा। नहीं, शिकार तो हुआ था। डमरू ने सरपंच की परवाह नहीं की। वो बोला, नेता होते हैं बच्चों के लिए, हम अपने दम पर भैंसों का शिकार कर सकते हैं। डमरू ने ऐसा कहा? उसका दिमाग खराब हो गया था क्या? तुम्हें नेता की जरूरत होगी, हमें नहीं। तुम देखना हम अपने दम पर भैंसों को कैसे पकड़ते हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है डमरू, ये शिकार हम करेंगे। अरे तुम क्या करोगे, तुम तो बुजदिल हो। क्या कहा तुमने, हमें बुजदिल कहा? हाँ कहा, तुम बुजदिल हो, कायर हो, डरपोक हो। अब तुम पूरी राम कहानी मत सुनाओ, ये बताओ शिकार हुआ कि नहीं। जैसे चील ने खबर दी थी वैसे ही अगले दिन बहुत बड़ा भैंसों का झुंड वहाँ से गुजरा। किसी को भी शिकार के बारे में मालूम नहीं था। जिसका जहाँ मन किया वो वहाँ पर भैंसों का इंतजार करने लगा। वो आ गए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अकड़ू। रुक जाओ अकड़ू, अभी मत जाओ। अकड़ू नहीं, मोगली चलो चलो। पकड़ू क्या हुआ? पकड़ू तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो कोई घायल नहीं हुआ। अरे इन शिकारियों को देखो, भैंसों का शिकार करने निकले। आओ महान शिकारियों, माफ करना, यहाँ कोई भैंसा नहीं, सब भाग गए। शायद तुम ही लोगों से डर कर भाग गए हो, लेकिन पता नहीं जाते हुए हंस क्यों रहे थे। इतनी मेहनत की है तुमने उन भैंसों को पकड़ने में। इतनी मेहनत अगर तुमने केले के पेड़ पर की होती तो जरूर कुछ केले तोड़ लेते। अभी देखता हूँ। अकड़ू उनकी तरफ ध्यान मत दो, उन्हें ये एहसास मत कराओ कि तुम्हें उन पे गुस्सा आ रहा है। तुम तो जानते हो उनकी आदत है बकबक करने की, कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन इन्होंने मेरी बेइज्जती की है मोगली। हाँ। ये लो मोगली पकड़ो। क्या हुआ, चक्कर आने लगे मोगली? बस बहुत हो चुका। अरे देखो शिकारी को गुस्सा आ गया। अब तुम नहीं बचोगे बंदरों। अच्छा तो उन भैंसों की तरह हमें भी डरा रहे हो? चुप रहो। यहाँ मेरा पंजा बिल्कुल काम नहीं आएगा। आ वहाँ देखता हूँ इन्हें। इतना महान शिकारी हमारे पीछे। मोगली जरा अपने पीछे देखो। मेरा पंजा कहाँ खो गया पेड़ों में? थक गए क्या मोगली? यहाँ कोई भैंसा नहीं है प्यारे। यहाँ बंदरों से निपटना मुश्किल है। इतनी जल्दी हार मान गए मोगली, यही तो मजा है। अब समझ में आया कि वो भैंसे क्यों हंस रहे थे, क्योंकि तुम शिकारी कम और मदारी ज्यादा लगते हो। अब चलो मोगली, मैं तुमसे बदला लूंगा, याद रखना। क्यों, भैंसों का शिकार नहीं करोगे? मैंने पूरी ताकत लगा के पंजा फेंका लेकिन वो पेड़ों में गायब हो गया। अच्छा तो इसीलिए तुमने मुझसे पूछा कि पत्थर से कैसे वार किया जाता है? सिर्फ यही वजह नहीं, सच तो यह है कि मैं उन बंदरों से बदला लेना चाहता हूँ। जब भी उनके बारे में सोचता हूँ बहुत गुस्सा आता है मुझे। जाने दो मोगली, तुम्हें और बहुत कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि झुंड में एकता कैसे रखी जाए।
देखो सरपंच अब बूढ़ा हो चुका है और किसी न किसी को तो झुंड की जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर लेना होगा। काश पिताजी जिंदा होते तो नेता के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। ये मत भूलो मोगली, विक्रम भी बहुत अच्छा सरपंच था। मैं जानता हूँ तुम अभी तक उसके बारे में परेशान हो, लेकिन विक्रम किसी और वजह से गया था। अब मैं अपनी गुफा में जा रहा हूँ मोगली, आज तो अपना खाना बचाने के चक्कर में बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब खा पी कर आराम करूंगा, तुम्हें तो अभी लीला को खाना पहुंचाने जाना है, चलता हूँ। लीला गुफा में ही हो? हाँ मोगली, अंदर आ जाओ। कहो सरपंच, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक तो नहीं, पर पहले से बेहतर है। बेचारी लीला ने मेरी दिन रात सेवा की है। अच्छा तुम बताओ, सारे बच्चे शिकार का अभ्यास कर रहे हैं या नहीं? हाँ सब कर रहे हैं। जानते हो बगीरा और मैंने तुम्हारे लिए हिरण पकड़ा है, बिल्कुल ताजा है, तुम खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्रिया मोगली, तुम वाकई बहुत अच्छे शिकारी हो। लीला जरा मेरे साथ बाहर चलोगी, हिरण को उठा के अंदर लाना है। ये देखो लीला। ओ कितना अच्छा है। आ गए मोगली। अकड़ू पकड़ू। किसने पकड़ा ये? मैंने और बगीरा ने मिलकर पकड़ा है। हम दोनों ने शेर खान का मुकाबला भी किया। तुम्हें मालूम है शेर खान तबाह किया और उसके दूसरे चमचे हमारे इलाके में घूम रहे थे। पता नहीं अचानक झुंड पर इतनी मुसीबतें क्यों टूट पड़ी, पहले बंदर फिर भैंसे और अब शेर खान, ना जाने क्या होगा। हाँ मेरी भी बंदरों से नोकझोंक हो गई थी, एक बंदर ने तो मेरे सिर पर आम मारा और मेरा मजाक उड़ाया। देखो आगे क्या क्या होता है। खैर सरपंच की तबीयत अब ठीक है? वो तो बस ऐसे ही कहते हैं, अभी बहुत कमजोर है। मुझे तो दिन रात उन्हीं की चिंता लगी रहती है। मुझे लगता है हमारी किस्मत ही खराब है, शेर खान भी हमारे इलाके में घुसने लगा है। अब हमें नेता की बहुत जरूरत है। हाँ और मैं जानता हूँ हमारा अगला नेता कौन होगा। विक्रम ये क्या कह रहे हो? लेकिन मोगली पिताजी मुझे दोबारा छोड़कर मत जा। मोगली तुम दोषी हो, सारा दोष तुम्हारा है। जंगल जंगल बाट चली है पता चला है, जंगल जंगल बाट चली है पता।